warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। अल्लाह के नाम से जलसे का हम आवाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। सदर मोहतरम, स्टेज पर जीनत अफरोज उलमाए कराम और मोहतरम सामईन, दूर दराज से आए हुए मेहमान निज़ाम, मैं अब्दुल हक इफ्तिखार अहमद दूरी, इमाम खतीब मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस गैबी नगर नांदूरा, आज बतारीख 6 अगस्त सन 2021 बरोज जुमा बाद नमाज ईशा मस्जिद मोहम्मदी में एक अजीम शान इजलास आम रखा गया है, जिसमें हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम सामई, आज इस बाबरकत और अजीम शान इजलास में अहदर को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम नाचीज के सुपुर्द किया गया है, वो बड़ा अहम काम और अहम जिम्मेदारी है। एक तरफ ये अजीम जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ अपनी कम इल्मी और नाइली की निगेदारी, लेकिन चूंकि बड़ों बुजुर्गों का हुक्म है और बड़ों का हुक्म भी बड़ा हुआ करता है, जिसकी तामील ज़रूरी होने के साथ साथ बहुत से फ़ायदों का हामिल भी हुआ करती है, लिहाजा उनके हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए मैं आप हजरात के रूबरू आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ और खुदावंद कुद्दूस से इन अल्फाज के साथ दुआगो हूँ कि मलामत में न गिर जाऊँ, नदामत से न मर जाऊँ, खुदा मेरी जुबा को तो फसाहत दे, बलागत दे। मोहतरम सामईन, यूँ तो शबोरोस जलसे और दुरूस हुआ करते हैं, मुहाजरात और दुरूस हुआ करते हैं, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं होती। कोई महफिल दुनिया भर के बेहूदा बातों पर मुनहसर होती है, तो किसी में बेहयाई का अलल ऐलान मुजाहरा किया जाता है, किसी में उर्दू की शमा रोशन की जाती है, तो किसी में कव्वाली की सदाएँ बुलंद होती हैं, तो कहीं ढोल और ताशे बजाए जाते हैं। ऐसी महफिलें अक्सर आयश परस्त लोगों की हुआ करती हैं। इन मजलिसों का दीनी मजलिसों से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसी महफिलों में शिरकत आमाल नामे में गुनाहों का इजाफा करती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि दीनी मजलिस किसे कहते हैं। दीनी महफिलें तो वो हुआ करती हैं जिनमें दीनदारों का जम्मे वफी नजर आए। दीनी मजलिसें तो वो होती हैं जिनमें कुरान हदीस की बातें हों। दीनी प्रोग्राम तो वो कहलाते हैं जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं बुलंद हों। दीनी इज्तिमा तो उसे कहा जाता है जिनमें आने वालों को तहजीब व तमत्तुन के मोती, अखलाक व किरदार के खुशबूदार फूल और हया व पाकदामनी का दर्स और अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है, जहाँ उलमा दीन की कुर्बत व सोहबत मिलती हो, ईमानी तरावत हासिल होती हो, दिमागी सुकून मिलता हो। मोहतरम हज़रात, आपको अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि आपकी शिरकत एक ऐसे ही इजलास में हुई है जहां बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, मनफात ही मनफात, फायदा ही फायदा, या नुकसान का दखल नहीं, खसारे का सवाल नहीं, क्योंकि ये कोई दुनियावी महफिल नहीं, सरकारी सम्मेलन नहीं, सियासी जलसा नहीं है, बल्कि ये महफिल तो दीनी महफिल है। ये मजलिस तो दीन हक की इशाअत के लिए सजी है। ये इजलास तो दीन इस्लाम की सरफरादी के लिए मुनाकिद हुआ है। अल्लाह अल्लाह इस महफिल के मकाम का कोई अंदाजा कर सकता है। इस महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेती है, और ऐसी मजलिसों में अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल होता है। नाज करते हैं फलक ऐसी जमीन पर आए साथ, नाज करते हैं फलक ऐसी जमीन पर आए साथ जिस पर दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। हजरात, आइए अब हम अपने इजलास की कामयाबी के लिए किसी रहनुमा की तलाश करें, क्योंकि किसी भी जलसे और इजलास की कामयाबी एक ऐसे रहनुमा की रहनुमाई, एक ऐसे रहबर की रहबरी, एक ऐसे सरपरस्त की सरपरस्ती, एक ऐसे सदर की सदारत, एक ऐसे कायद की क़यादत पर मुनहसर होती है जो जोहद तक़वा, खुलूस लिल्लाहियत, जोहद सखा, अमानत व सदाकत, फ़हम व फ़रासत, जुरअत व हिम्मत, नेज़ इल्म व सलाहियत की हामिल और रुश्द व हिदायत की आलमबरदार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे जलसे की सदारत के लिए जिन मुनसिफ मिजाज, मुतब्बिर दिमाग, मुफक्किर दिल और बुलंद हौसला मर्द मुजाहिद का नाम तजवीज़ किया गया है, वो अपने अंदर हुस्ने खुल्क, हुस्ने तदबीर, हुस्ने तहज़ीब, हुस्ने लियाकत, हुस्ने दियाकत, हुस्ने दानाई, हुस्ने बिनाई जैसे बहुत से आला और अच्छे औसाफ रखते हैं। मेरी मुराद जनाब
अब्दुल सलीम साहब से है कि वो आए और अपने अपने अपनी जगह को लें। इस शेर के साथ मैं उनको दावत स्टेज देता हूँ। सरवरे सरवर व शादमानी सुरूर व शादमानी मोजिज़न है आज हर दिल में जो वीर कारवां बन करके आए आप महफिल में। हजरात अब हम सदर मोहतरम की इजाज़त से अपने इजलास का बाज़ाब्ता आवाज करते हैं। आइए सबसे पहले अल्लाह खजाने सिबर हुए हैं कलाम इलाही जिसकी बरकत से इंसान को इंसानियत मिली। कुरान आया तो हमें नमाज का तोहफा मिला। कुरान आया तो ज़कात की फर्जियत नाजिल हुई। कुरान आया तो रमजान मुबारक का मुबारक महीना मिला। कुरान आया तो हज बैतुल्लाह का हुक्म हुआ। अलगर्ज कुरान आया तो हर बुराई का खात्मा हुआ और हर अच्छाई ने जन्म लिया। अब मैं अपनी बात को ज्यादा तूल ना देते हुए कुरान करीम की तिलावत के लिए अजीजम सैयद अनस सैयद खलील को दावत सुखन देता हूँ कि अजीजम आए और कुरान पाक की तिलावत से हमारे कल्ब व रूह को ईमानी ताजगी अता फरमाएं। आवाज़ और जलसे का कुरान की तिलावत से मसरूर दिल मोमिन हो सुरूर दिल मोमिन हो उसकी हलावत से। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। अजीजम सैयद अनस सैयद खलील के सा
आस्ताने खूबसूरत
लिखने का, मगर फिर भी सहाबा की बदौलत ये तराने खूबसूरत है, तराने खूबसूरत है, मोहम्मद के सहाबा के ठिकाने खूबसूरत है, नबी के साथ इनके दोस्ताने खूबसूरत है। सलाम रोशन और मुनव्वर करने के लिए, हमारे इजलास को तारीखी और यादगार बनाने के लिए स्टेज पर ऐसी ऐसी रोशन हस्तियां जलवा अफरोज हैं जिनके फरमोदात व इरशादात, खैर व फलाह, बरकत व सआदत, जिनका मशवरा तबलीग व तरबियत, जिनका रास्ता राह सुन्नत, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है। तो लीजिए, उन्हीं में से एक शख्सियत को मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस शहर के साथ दावत सुखन देता हूँ। बाहुनर हैं, पुर असर हैं, कौम के रहबर हैं आप, बाहुनर हैं, पुर असर हैं, कौम के रहबर हैं आप, कहकशा हैं, फूल हैं, इत्र हैं, अंबर हैं आप। आइए महफिल में खिताबत का चिराग जौ लिए, आइए महफिल में खिताबत का चिराग जौ लिए, बाई से फख्र चमन हैं, शमे रोशन हैं आप। मेरी मुराद फदीलत शेख अताउल्लाह मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह से है, नादिम आला, नायब नादिम सूबाई जमीयत अहलेदीस महाराष्ट्र, शेख तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। शेख का मौजू है दौरे नबूवी की ख्वातीन, दौरे नबूवी की ख्वातीन, फदीलत शेख अताउल्लाह मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها فلتدخل في أي باب شاء رواه مسلم صدر إجلاس معزز علماء كرام انتہائی باوقار سامعین اعزام اور ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمیں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات رکھنے کی کا حکم ملا ہے وہ ہے دور نبوی کی خواتین۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے عنوان کا تعلق آپ لوگوں سے نہیں ہے، ہمارے عنوان کا تعلق ان سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، مگر شاید کہ وہ ہم کو دیکھ رہی ہوں۔ دنیا کے اندر دین اسلام ایک واحد دین ہے، اس نے عورت کو وقار عطا کیا،
इस्लाम को छोड़कर दुनिया में जितने भी अदियान और मजाहिब पाए गए या आगे किसी की दरियाफ्त होगी, वहां पर औरत को वो मकाम नहीं बल्कि उसका हमेशा और हर जमाने में इस्तेहज़ा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले भी औरतों को कोई खास मकाम हासिल नहीं था, बल्कि वो औरत मुख्तलिफ आजमाइशों की शिकार थी, मुख्तलिफ नाहिये से उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जाते थे। जितने भी मजाहिब के मानने वाले पाए गए वो तमाम में औरत को हर तरह से सताने ही का काम किया गया, बल्कि बास हालात तो ऐसे भी आए कि उसको ये कहा गया कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां जन्म ले रही है उसकी असल मौका और असलियत जो है वो औरत है। बास तो ऐसे भी मजाहिब पाए गए जिसमें औरत को जीने का हक भी नहीं रखा। इस्लाम की आमद से पहले भी जितने मजाहिब पाए गए, अगर आप उसका तहकीकी तौर पर मुताला करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि औरत का की कोई हैसियत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि आपको ये भी मिलेगा कि वो माले मतलूका समझी जाती है। खुद इस हिंदुस्तान में जहां पर हम और आप अभी सांस लेते हैं, आपको मालूम होगा कि ऐसा भी रस्म था, ऐसे भी हालात थे कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जला देते थे, उसकी सती कर देते थे, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। मतलब कोई भी ऐसा आज के दौर में भी आपको जो दिख रहा होगा इस्लाम को छोड़ करके कि वहां पर बहुत आजादी है, वहां पर बड़ा आजादाना माहौल है खवातीन के लिए, नहीं, वो यूज किया जा रहा है। दीन इस्लाम के अंदर औरत को वकार अता किया गया, इज्जत दी गई, उसको जीने का हक मिला। मेरी माओ और बहनों, आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सबसे बड़ा एहसान है कि इस्लाम जैसी दौलत से आपको सरफराज अता किया जिसमें औरत को हर माहिये से वो मकाम दिया गया जो किसी भी दिन और मदारे में नहीं। आप उसको बेटी होने की हैसियत से देखिए तो इस्लाम ने उसको इज्जत और मकाम अता किया, बहन होने की हैसियत से देखिए तो उसकी अपनी एक अलग हैसियत और पहचान बताई, बीवी होने की हैसियत से देखिए तो उसके लिए भी अपना एक मकाम है, माँ होने की हैसियत से देखिए तो उसका भी अपना एक अलग ही मकाम है। यहाँ तक के नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, इससे बड़ा कोई जुमला आपको किसी दिन और मदारिक में नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोई जुमला आपको नहीं मिलेगा। इससे ये बात समझ में आती है कि दुनिया के अंदर इस्लाम ही वाहिद दीन है जिसने औरत को वो ताज पहनाया है जो दुनिया के किसी दिन और मदारिक में नहीं पहनाया। मेरी माओ और बहनों, मौजूदा दौर में जहां पर हम और आप सांस ले रहे हैं, लेकिन उसकी मौजूदा सूरत हाल को देख करके ये नहीं लगता है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली ख्वातीन है। ये वही है जिनके पांव के नीचे जन्नत कहा है, ये वही है जिसके लिए एक मकाम दिया गया है, माँ होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से, और जो भी मकाम उसको मिला उसका एक दर्जा मुकर्रर किया गया। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी और रसूल मबूस किए जाने से पहले जमाने जाहिलियत का यह माहौल था कि लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी तरह एक सहाबी ने जिक्र किया कि मैंने अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफन किया, उसके आखिरी कलिमात जो हमारे कान से टकराए थे वो यही थे, हाय अब्बू, हाय अब्बू, हाय। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला सुनते सुनते आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि जब अल्लाह की बारगाह में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम उसको किस जुर्म में, किस गुनाह में तुमने उसको जिंदा दफन किया, तो क्या जवाब दोगे?
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहां लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, उसी समाज और मुआशरे की जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, जब उसको आपने समझाया बताया, तो एक मौका ऐसा भी आया कि एक लड़की की तरबियत के लिए, कि उसका बाप नहीं है अभी, तीन आदमी आपस में झगड़ पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फैसला सुनाना पड़ा कि ये तरबियत के एतबार से खाला जिस मर्द के निकाह में इसकी खाला उसके यहाँ जाएगी, क्योंकि खाला माँ के बराबर है। उसी समाज में सोचिए, ज्यादा फासला नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं, इस समाज और मुआशरे में आपने जिंदगी गुजारी, उसी समाज की पहले ये पोजीशन थी कि लोग जिंदा दफन कर देते थे, जब उसी की तरबियत आपने की, तो एक ऐसा दौर आया कि एक यतीम बच्ची की परवरिश बर्दाश्त करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में झगड़ पड़े कि मैं इसका ज्यादा हकदार हूँ, किसकी तरबियत करता। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की तरबियत का असर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो खवातीन थी, ये एक बड़ा लंबा मुवान है, मैं कभी मौके की मुनासिबत से आपके सामने बात रखूंगा करके, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मसाइल पर कभी यहाँ प्रोग्राम हुआ था जो बात रखा था, शायद उसी को ध्यान में रख करके ये दूसरी मरतबा मुवान दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग शेख सनाउल्लाह मदनी साहब को तफसील से सुनेंगे, इसलिए मैं चंद बातें रख करके अपनी बात खत्म करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो खातून थी और आज के जमाने की जो खातून है, वहां पर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो चीज है, जो रोल मॉडल के हिसाब से है, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीम है। कुरान मजीद को अगर हमारा इस नाज़िया से और हदीस नबी का मुताला करें, तो मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक लंबी आयत करीमा पेश किया है। जानते हैं ये एक औरत के जज्बात के इजहार के लिए अल्लाह की तरफ से गवाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि सारा हुक्म जो कुरान में आता है उसमें मर्दों का ही जिक्र है, हम औरतों का नहीं है। हमारी औरतें खुश हो जाती होंगी कि अच्छा है हमारे लिए नहीं कुछ है, तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ नेकियों के लिए मुकाबला होता था, यहाँ हमारी खवातीन के दरमियान फैशन के लिए मुकाबला होता है, ड्रेसिंग के लिए मुकाबला होता है, यानी दूसरे से अपने आप को नुमाया दिखने के लिए मुकाबला होता है, वहाँ नेकियों के लिए मसला था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हम औरतों के लिए कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मर्दों के लिए ही बयान किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अंदाज, ये अदा इतना इतना पसंद आया कि ये आयत करीमा नाज़िल हुई। क्या कहना है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस सामिरीन वस सामिरात वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस सायमीन वस सायमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वस ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वस ज़ाकिरात अअद्दा अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन वअज़रन अज़ीमा। दस चीजों का जिक्र किया, कहा जिस तरह मुसलमान मर्द उसी तरह मुसलमान औरत, यानी मर्द और औरत को कहा नेकी में तुम्हारा भी वही मकाम है, तुम्हारा भी वही हैसियत है जो मर्द को हासिल है, जो नेकी का रास्ता मर्द अपना सकते हैं वही रास्ता तुम अपना सकती हो। ये इस्लाम का एजाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के एक सवाल के जवाब में जो उसके दिल से निकलने वाले जज्बात थे, इतनी बड़ी आयत करीमा को उतारा और खवातीन के लिए दर्स दिया कि कैसी रही होगी वो अल्लाह वाली। आज हमारे घर में इस तरह का कोई सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन घरेलू कोई मामला हो तो उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये एक औरत, सोचिए कि वो औरत कैसी थी जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सातों आसमान से अल्लाह ने उसके लिए आयत करीमा नाज़िल की।
इसमें औरत का जो किरदार बोलता है उसके बाद जो मुआशरा वजूद में आता है उसको कहते हैं सहाबिया का, या उसके जरिए जो बच्चे तरबियत पाते हैं उसको कहते हैं कि ये मुल्क को संभालने वाला, कौम को संभालने वाला, समाज को संभालने वाला फला 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 सहाबी के जैसा पैदा हुआ। कहा जाता है कि एक मरतबा एक स्कूल के क्लास में एक टीचर अपने तमाम बच्चों को कह रहा था, बेटा क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे बेटा? तो कहा इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फला बनूंगा, फला बनूंगा। एक बच्चा कोने में बैठा हुआ था, उसने पूछा, बेटा आप क्या बनोगे? तो कहा मैं सहाबी बनूंगा। क्या कहा? मैं सहाबी बनूंगा। उस्ताद टीचर भी एकदम चौंक गया, क्या बोल रहा बाबा ये? बोला मैं सहाबी बनूंगा। तो बोले कैसे बनोगे, क्यों बनोगे? कहा मेरी मम्मी ना बहुत किस्से सुनाती है सहाबी की, उसको बड़ा अच्छा लगता है। ये दरअसल हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ उम्मे सुलैम के जैसी रही होगी कोई, इसने कहा बेटा जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना और उनकी किसी बात को काटना मत। ये तरबियत देती थी अपने से। तो कहा सहाबी बनूंगा इसलिए कि मेरी माँ उसके बारे में जो वाकया सुनाती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल ख़वातीन का जो मकाम सहाबा सहाबियात के किरदार के साथ आगे बढ़ा है वो आज हमारे समाज और माशरे में नहीं पाया जा रहा है। हमारे समाज और माशरे की मौजूदा सूरत हाल बहुत खराब है। औरत को जन्नत में जाना जितना आसान है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत और जहन्नम की सैर की थी उस मौके पर आपने जहन्नम में कसरत से औरत को देखा था। इसलिए औरतों का मामला जो है वो इस्लामी एतबार से बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम उस बिगड़ी हुई बात की तरफ कभी बाद में खिताब करेंगे। जो हदीस मैंने पेश किया है उसका तर्जुमा करना चाहूँगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्मरा एक औरत, ये दरअसल लखन साहब पांच वक्त की नमाज पढ़ो, पांच वक्त क्या करे, ये दरअसल लखन साहब दिन और रात में सिर्फ पांच वक्त की नमाज पढ़े। आज के दौर में खवातीन को कहा जाए कि पांच वक्त की नमाज तो बोलेगी नहीं, कितने की है? बहुत ज्यादा। अगर कोई अल्लाह वाली है तो कितने वक्त की रहेगी? चार पढ़ रहा है ना, हजर की नमाज तो माफ है ना, है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्मरा तो इदा सल्लत खमसा, पांच वक्त की नमाज पढ़े। वो सामत शहरा, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, वो हसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, वो अतात वाला अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। चार देखा, सिर्फ चार काम मेरी माओ और बहनों, सिर्फ चार काम, सिर्फ चार काम। अल्लाह के नबी ने कहा वो जन्नत के 30 दरवाजे से चाहे चली जाए, सिर्फ चार काम करना है। पूरे कुरान में और हदीस में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी मर्द के बारे में अल्लाह ने ऐसा कहा हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन खवातीन के बारे में कहा चार काम करे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। यही चार काम सहाबियात करती थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी अदाएं पसंद आई और उनके बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी बातें हमारे और आपके लिए नमूना करार दिया गया। वही चीज जो औरत का किरदार बोलता था पहले के जमाने में, वही चीज अगर आज भी हमारी माएं और बहनें अगर अपनाती है तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी वही नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबियात के लिए रखा था। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी माओ और बहनों को भी उस सहाबियात की सिफत को अपनाने की तौफीक बख्शे, और जिस तरह उन्होंने इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी की और अपने बच्चों और अपने शौहरों को जन्नत नुमा बनाया, उसी तरह अल्लाह ताला आज की खवातीन को वो तौफीक अता फरमाए ताकि माशरे में अमन आए, सुकून आए और हर तरह अच्छाई पैदा हो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे और आपके यहाँ पर मिल बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे और आपके इस प्रोग्राम को अपने मकसद में कामयाब बनाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जो किताब देना चाहते हैं अगर अभी नाम लिखा दें, जो किताब है तो अगर भाई लेना चाहते हैं अभी दौर नबी की खवातीन के मौजू के ताल्लुक से, बहुत सारे कीमती बातों से को सुना आपने और शेख मौसूफ ने बड़े अच्छे अंदाज में वाज फरमाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि शेख ने जो बातें कही उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं जहमत सुखन देना चाहूँगा एक ऐसे खतीब को जिनकी नींद के लिए हज़ारों निगाहें पिछले काम रहती हैं और कितने ही कान जिनके सुनने की आरजू रखते हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गुनागों औसाफ और महासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फिक्रमंद मुबल्लिग भी हैं, काबिल कदर नासिर भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइस भी, इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तद्दीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश अलहानी की फिजाओं तक और अपनी अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोहरा है, मेरी मुराद फजीलतुश्शेख सनाउल्लाह मंदी साहब हफीज़ुल्लाह से है। इनका बयान सुनकर कहने वाला बेसाख्ता ये कह सकता है कि दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। मैं शेख मौसूफ से मौद्दिबाना दरख्वास्त करूंगा कि शेख तशरीफ लाएं और अपनी दिलरुबा खिताबत से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। फ़ज़ीलत शेख सनाउल्लाह मंदी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर-रहमान अल्लमा अल-क़ुरआन, ख़लक़ल इंसान अल्लमहु बयान, फ़ाक़ुल लि सद्री व यस्सिर लि अम्री व हल्लु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुभानक़ ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अन्तल अलीमुल हकीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محترم علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی چار آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے قرآن کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں अल्लाह रब्बुल आलमीन का बे इंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इशा की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा लें, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हर बात कहने को दमन करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दें, आमीन। सामीन इकराम, कुरान करीम अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है, अल्लाह ताला की आखिरी बात है। हम और आप कुरान में पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं। अब हमें से कौन है जो नहीं चाहता कि अल्लाह से बात करे? हर आदमी चाहता है। जो आदमी कुरान पढ़ेगा कल कयामत के दिन कुरान अल्लाह से सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसको माफ कर दे। एक हदीस के अंदर आया सही मुस्लिम हदीस नंबर 804 के तरह कुरान फरीम नहुया की योम कयामत शफीया लियासहाबी, लोगों कुरान पढ़ो तो कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। हम लोग हर चीज पढ़ते हैं, कुरान ही को नहीं पढ़ते। कल कयामत के दिन क्या होने वाला है अगर हम और आप कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो? وقال رسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا, سورة فرقان سورة نمبر 25 آیت 32 رسول کل کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کیس دائر کر دے؟ بالکل نہیں چاہتے ہیں۔ अगर कुरान को नहीं पढ़ेंगे, कुरान को नहीं छुएंगे, कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन हमारे खिलाफ केस दायर हो जाएगा, केस लिख लिया जाएगा,
और वो भी अल्लाह की अदालत में। इसलिए हमें और आपको कुरान के बारे में बिल्कुल सतर्क रहना है। आज कुरान पूरी दुनिया में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग हमें और आपको देखकर मुसलमान नहीं हो रहे। हमें से कोई आदमी बता दे कि मुल्ली साहब मैं तो इतना अच्छा हूं कि लोग मुझे देखकर मुसलमान हो गए, आप में से कोई है बताइए? एक आदमी क्योंकि हमारा और आपका अखलाक उतना अच्छा है ही नहीं कि लोग देखकर मुसलमान हो जाए, बल्कि हमें और आपको देखकर तो कहेंगे लोग भागते आ गए भाग। मेरे भाई अपना अखलाक प्यारा बनाइए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। आज पूरी दुनिया में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो कुरान को पढ़ के कर रहे हैं, और हम और आप कुरान ही को नहीं पढ़ते। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो एक दो नाम बता देता हूं। डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी रहमहुल्लाह हो गए एक साल पहले 2020 में मदीना शरीफ के अंदर उनका इंतकाल हो गया। आपको मालूम है डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी के बारे में कहां के रहने वाले थे? आजमगढ़। कहां है? अपने इंडिया में आजमगढ़। कहां? यूपी में। डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी का नाम था पांके राम। क्या नाम था? पांके राम। क्या नाम था? पांके राम। पांके राम मुस्लिम नाम है या फिर क्या है? गैर मुस्लिम नाम है ना, पांके राम या पांके लाल। डॉक्टर जियाउर रहमान का नाम था पांके राम। 1960 में डॉक्टर जियाउर रहमान को एक किताब हाथ लगी और उस किताब में एक आयत थी, वो आयत आप भी पढ़ते मैं भी पढ़ता हूं, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी ये वो डॉक्टर नहीं, पीएचडी के वो डॉक्टर है। उन्होंने जब ये आयत पढ़ी तो कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि इस्लाम ही दीन है और मैं जिस धर्म को मानता हूं वो धर्म कुछ नहीं है क्या? अब मुझे तो रिसर्च करना ही पड़ेगा, तो अब तक मैं यही मानता था कि मैं जिस पर चल रहा हूं वही सही है, बकिया सब गलत है। लेकिन एक किताब ऐसी हाथ लगी है तो उस कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह का दीन सिर्फ इस्लाम ही है। हम और आप बोलते हैं ना कि इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, ये जुमला बिल्कुल गलत है। पहले इंसान से इस्लाम है और आखिरी इंसान तक इस्लाम रहेगा। इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ है बल्कि इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया है। डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी इस नतीजे पर पहुंच गए कि दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है, और 1960 में उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। भाइयों कुरान को पढ़ के आज हमारे और आपके यहाँ कुरान किस काम के लिए है, मैं चाहता हूं कि जरा आपको सुना ही दो। और हमने और आपने कुरान को उसी काम के लिए रखा हुआ है। मेरे भाइयों रमजान में निकाले थे, अब उसके बाद भूल पड़ गई होगी उसके ऊपर। आज कुरान किस काम के लिए हम मुसलमानों के यहाँ? कुरान की फरियाद माहिर कादरी की जुबानी, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ, जुस्तान हरीनों रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इतनी की बारिश होती है खुशबू में बसाया जाता हूँ, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ, जब कौलों कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, कुरान की कसम ये जमीन मेरी है, जब कौलों कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है फिर मेरी जरूरत पड़ती है हाथों पे उठाया जाता हूँ, दिल सोच से खाली रहते हैं आते हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, नेकी तो मती का गलबा है सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ सौ बार रुलाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं ऐसे भी सताया जाता हूँ, किस बस में मुझको बार नहीं किस उस में
मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं, ये कुरान करीम है। आपको मालूम है डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने जब इस्लाम कबूल कर लिया उनका सबसे बड़ा कारनामा क्या है? आप लोग नहीं जानते, लेकिन अगर फिल्मी दुनिया के हीरो के बारे में अगर पूछ लूं तो अगर आप ना बता सके तो आपका मोबाइल तो बता ही देगा। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने जो काम किया है, बांके राम ने जो काम किया है, पूरी दुनिया में वैसा काम किसी ने किया ही नहीं है। अब क्या काम किया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, सही बुखारी लिख गया 7563 हदीसें उन्होंने जमा की है बुखारी शरीफ में। एक मोहम्मद ने, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह, एक मोहम्मद ने सही बुखारी जमा की और दूसरे मोहम्मद बांके राम दुद्दू ज़ियाउर रहमान आज़मी ने पूरी दुनिया में कितनी सही हदीस की सबको एक साथ जमा कर दिया है। दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा सही हदीस, यानी उससे ज्यादा सही हदीस सही नहीं, पूरी सही हदीस जहां जहां मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो टोटल है 16,800 हदीस 20 साल की मेहनत के बाद दुद्दूस ज़ियाउर रहमान आज़मी जो बांके राम थे उन्होंने हदीस को जमा कर दिया। कुरान की एक आयत में उनकी दुनिया बदल जाती। बिलरियागंज से निकले यूपी से और जन्नतुल बकी में, बकी और दरकर में मदीना शरीफ में दफन हो, एक आयत। और अब और आप एक कुरान के लिए पीछे हट रहे हैं, वो नाम लिखा है, वो ये करे, गले में घंटी बांधे, एक आयत। हो सकता है आपके कुरान किसी को दे देने से किसी की जिंदगी बदल जाए, कोई दुख से और रहमान आज़मी निकल आए। मेरे भाई, ये कुरान से तो जुड़ना होगा तभी हमारे लिए खैर है, वरना हर जगह रुसवाई देते रहे हमारा। आप लोगों से पूछिए, भैया आप कुरान कहे नहीं पढ़ते, वही साहब उनको अरबी कहाँ आती है? अच्छा, अरबी नहीं आती। वाह चाचा, आप कुरान कहे नहीं पढ़ते? बाबू देख ही रहे, उम्र बहुत ज्यादा हो गए, बूढ़े हो गए। माँ बहनों से भी कहूंगा, सऊदी अरब के अंदर एक 90 साल की दादी ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। कितने साल की है वो? 90 साल की दादी। और जब वो इनाम लेने के लिए गई तो अल्लाह ने इनाम लेने के लिए आसमान में बुला लिया, यानी ऊपर बुला लिया जन्नत में। तो उनकी पोती जो है इनाम लेके आई है। 50 साल की एक माँ ने कुरान पढ़ना सीखा, जबकि उनके घर पे कई कई आलिम थे, माँ को कुरान पढ़ना नहीं आता था। लेकिन छोटी बहन हबीबा ने माँ पर मेहनत की तो माँ को कुरान की हबीबा बना दिया, और 50 साल की माँ कुरान पढ़ना शुरू कर दी। तो उनके बच्चे जो आलिम थे, मदीना शरीफ में पढ़ते थे, बोले अम्मी का 50 साल की माँ अब कुरान पढ़ रही है। आप मदीना शरीफ जाइए, आप में से कोई गए मदीना शरीफ? नहीं गए? दुआ करें, गए हैं। मस्जिद नबी में जाइए, वहां शेख मोहसिन अल अकबाद है, हफिजहुल्लाह, हदीस का दर्स देते हैं। उनसे पूछा गया, क्या कोई 50 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है? बोले हाँ, बहुत आसान है कुरान याद करना, मैं भी उन्हीं में से हूँ जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कुरान करीम को हिफ्ज किया है। अब आप में से कोई 50 साल के होते तो मैं उनसे बात करता, 50 साल में कोई है ही नहीं तो मैं कैसे बात करूँ? अब आप बताइए, 90 साल में भी कोई नहीं है दादी माँ कि मैं उनसे बात करूँ कि आप भी कुरान हिफ्ज कर सकती है, कर सकते हैं? ये तो मोहब्बत होनी चाहिए भाई। लोग बोलते ना, हमें अरबी नहीं आती। फिरौन का नाम तो सुन रही है, हमें से कौन है जो फिरौन का नाम नहीं सुना है? फिरौन की लाश मिस्र में मौजूद है, और उस लाश को ढूंढने में एक आदमी थे डॉक्टर बोरिस बुकायल। 1899 ईस्वी में वो लाश निकली समुद्र से। तो डॉक्टर बोरिस बुकायल बहुत खुश थे कि हमने फिरौन की लाश को ढूंढ के निकाल लिया है समुद्र से। उसके बाद एक अरब दोस्त से मुलाकात हो गई, कहा डॉक्टर साहब
आज आप खुश हो रहे हैं कि फिरौन की लाश को आपने निकाला है। कुरान ने 1300 साल पहले ही बोल दिया है कि फिरौन की लाश रहेगी, उसका बदन रहेगा। डॉक्टर मोरिस बुकाइल ने कहा, अच्छा ये क्या बताइए आपको कौन सी आयत है? सूरह यूनुस नंबर 10 आयत नंबर 92, फलियों मरनची का विपतन के लिए तकून अलेम सब का आया वही न कसीर मरना से नाया बिना लगा फिरून। आज के दिन हम तेरे बदन को महफूज रखते थे ताकि बाद में आने वाले के लिए निशानी हो। अक्सर लोग गाफिल हैं। डॉक्टर मोरिस बुक है परेशान हो गए कि अरे ये कौन सी बुक है, 1300 साल पहले ही बोल दी है। अब मैं उस बुक को पढ़ूंगा। अगर हमारे पास हमारा बेटा अरबी में खत लिखे तो हम और क्या करेंगे, जो अरबी जान जो पढ़ सुना दीजिए। बबुआ का खत आया है, सुनाइए सुनाइए। डॉक्टर मोरिस बुक है 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखते हैं और 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखने के बाद इस आयत पर पहुंचते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते मुसलमान। और हमारा कुरान से कितने दूर? मेरे भाइयों, कुरान की महफिल बनानी पड़ेगी। मैं तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब से कहता हूँ कि जितने बुजुर्ग लोग हैं सबके लिए यसल्लम कुरान चालू कर दीजिए। अभी मैं सफर कर रहा था, कुछ मुसलमानों को देखा गाना गाए जा रहे हैं। करीब हुआ तो हाथ में कड़ा भी है, कान में किसी के बाली भी है और वो गले में जरा वो भी है, कैसे समझे कौन है? फिर बाद में पता चला ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो बोले भाई गाने तो बहुत सारे आपको याद है, सूरह फातिहा याद है क्या? बोले जनाब की मौली साहब हमको सिखाओ ना, हमको सूरह फातिहा भी नहीं आता है। तो ये सब मुसलमान है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सही हदीस नंबर 1335, मन अल्लमा आयत मिन किताबिल्लाह अज़्ज़ा वजल काना लहु सवाबुहा मा तुलिया, जिसने किसी को एक आयत सिखा दी उसका सवाब उसको मिलता रहेगा जब तक वो आयत पढ़ी जाती रहेगी। हाफिज साहब इतने लोगों को हिफ्ज करा रहे हैं, उनको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक आयत सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब क्या करेंगे? बड़ा सवाब है इसका। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सही बुखारी किताब फजाइल कुरान हदीस नंबर 5027, तुम में का बेहतर हुआ जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। लेकिन आज अपने यहाँ कौन है बेहतरीन? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, नोट छापे, इसकी टोपी उसको पहना दे, उसकी उसको पहना दे। कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस सोच के खिलाफ हूँ। बड़ी डिग्री आप रखे हुए हैं लेकिन कामयाबी इसी में अमर रबुक तेरा रब कौन है, माँ की रुख तेरा दीन क्या है, दीन यानी इस्लाम। माँ तकूल फी हाज़ा रजुल लज़ी बुअथ फीकुम, क्या कहते हैं उसके बारे में जो भेजे गए थे। अगर ये सबक याद है तो सब याद है। और लाख डिग्री आप रखे रहिए, दुनिया तक है, मरने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं। मेरे भाई कुरान से तो जुड़ना पड़ेगा। कुरान के मनी से लगाएंगे नहीं लगाएंगे आप लोग? अब आप में से कोई 50 साल के होते तो मैं उसे अकेले बात करता, 90 साल के होते तो उसे अकेले में बात करता कि आप कुरान कैसे सीख सकते हैं। अपने पास मोबाइल तो है ही और मोबाइल में हर चीज मौजूद है, सिर्फ कुरान नहीं है। जो बोलते कह रहे मौली साहब मोबाइल में कुरान रखेंगे तो टॉयलेट में भी तो जाना पड़ता है मोबाइल लेके, तो क्या करेंगे? अल्लाह तौबा। अब तो अगर यही लॉजिक है हमारा तो हाफिज साहब लोग गए काम से, वो टॉयलेट करेंगे काम? हाफिज साहब लोगों को अगर टॉयलेट आएगी और वो अंदर जाएंगे तो कुरान को सीने से निकाल के कहां पर रखेंगे, वो निकलेगा कैसे सीने से? अरे भाई ये तो मोबाइल फोन के अंदर घुसा हुआ है, थोड़े ना कुरान का मुसहफ लेके जा रहे हैं। मेरे भाइयों कम से कम कुरान के लफ्ज को आप आंखों से देखिए, आपकी आंखों की बिनाई तेज हो जाएगी। और जो आदमी कुरान को पढ़ेगा कभी पागल नहीं होगा, ये कुरानी की खासियत है।
200 साल भी आपकी उम्र हो जाए और आप कुरान पढ़ते रहें तो आप पागल नहीं हो सकते। एक आदमी के रूह निकलने का वक्त आया, वो लोगों को कुरान सिखाते थे, सब चीज वो भूल गए, लेकिन कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो फटाफट आगे आगे बता देते हैं। मोहब्बत, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। कुरान से मोहब्बत कीजिएगा, कुरान आपसे मोहब्बत करेगा। बस एक दो बात ध्यान करके आपसे रुख सकूंगा। उसमें अहमद की रवायत हदीस नंबर 22950, कबर फटी, एक आदमी मिलने के लिए आ गया। जानते उस आदमी का नाम क्या है? अरे भाई पहचान रहे हो मुझे? कौन है मुझे? मैं नहीं जानता आप कौन है। अना साहिबों का कुरान, मैं आपका साथी कुरान हूँ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान कर रहा हूँ। हर आदमी की कबर फटेगी और कुरान उससे आके मिलेगा अगर कुरान पढ़ता है। कुरान कहेगा, बात करेगा कुरान। ये याद रखना, दुनिया में लोग तिजारत करते थे तो फायदा होता था, आप दुनिया में उसको पढ़ते थे, आज मैं आपको फायदा पहुंचाऊंगा और अल्लाह से आपके लिए सिफारिश करने वाला हूँ, अल्लाह इनको माफ कर दे। अब मैं आपसे कहता हूँ, कुरान अगर खड़ा हो जाए अल्लाह से कहे और अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये हो सकता है क्या भाई? और उसके बाद दाएं हाथ में मुल्क दे दिया गया है, हमेशगी का परवाना है, और हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा। हाफिज कुरान के माँ बाप को इतना बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा कि वो कहेंगे हमको कहाँ से पहनाया जा रहा है? क्यों? से वाला देखो माल कुरान, तुम दोनों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है। आज हमारे घर की खवातीन देख लीजिए, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, और हमारा भी, और जो ज्यादा भोथा है, भोथा जानते हैं, भोथा और मदरसा वदरसा में जाया जाएगा। या एक बात और कह दूं, ये बात बिल्कुल चुभेगी आपको, जो बेचारा गरीब है वही मदरसा जाता है, ईमानदार लोग कहाँ जाते हैं? सही है कि नहीं? अब आपके से कोई है हाफिज कुरान यहाँ पर? नहीं। और इरादा भी नहीं आप लोग, अब तुम चाहते भी नहीं कि अल्लाह ताला हमको लिबास पहना दे। कोई है? ये बच्चा हाफिज है माशाल्लाह। अरे भाई आप में से कोई है जो अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहता है? अल्लाह ताला लिबास बनाने के लिए तैयार है उनको, जन्नती लिबास। कोई है? आप बनाएंगे इंशाल्लाह। अब ऐसा मत कीजिएगा, अरे मौली साहब ने तो हाथ उठा उठा के अपने को मरवा दिया। एक हौसले वाली बात है भाई, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। अगर खान साहब हाथ उठवा लेते तो खान साहब नाम नहीं लूंगा, खान साहब खान साहब का नाम नहीं लूंगा, चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, उनका नाम आते ही खान साहब का। अगर खान साहब बोलते तो सबसे पहले हम लोग कूद के हाथ उठा लेते। मेरे भाई कुरान से मोहब्बत, कुरान की हिफाजत हमें और आपको करनी है। वसीम रिज़वी का नाम जानते हैं आप लोग? कुरान की कितनी आयतें निकाल दी गई है अभी कुरान से, वसीम रिज़वी के कुरान से 26 आयतें। वसीम रिज़वी का एक कुरान छपा है जिसमें से 26 आयतें निकाल दी गई है। अगर वो कुरान आपको हाथ लग जाए तो कैसे पता पाइएगा? कोई हाफिज साहब रहेंगे घर में तब ना हो पाएगा भाई। माशाल्लाह पहले की औरतों में भी कुरान का जो जज्बा था, क्या कहा जाए। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल लिबास 2125, उम्मे याकूब कबीला बनू असद की औरत, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई तो कहा, अब्दुल्लाह बिन मसूद सुनिए, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फकीह हैं, मुफ्ती हैं सहाबा के दरमियान, उनसे एक औरत फिर जाती है कुरान के मसले में, आपने लानत कर दी है, फिटकार कर दी है टैटू बनाने वाली औरत पर, कहां से आप लेकर आ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है। मालूम उस औरत ने क्या कहा? सुन लीजिए अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं भी सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कुरान पढ़ना जानती हूं। कोई एक आयत बताइए जिसमें ये लिखा हो, बताइए। आज है हमारे यहाँ कोई खातून जो चैलेंज कर दे कि सिर्फ मौलाना लोग ही हाफिज रहेंगे, हम भी हाफिजा हैं? हम में से किसी की बेटी हाफिजा है क्या?
बेटा ही हाफिज नहीं तो बेटी को क्या हाफिज बनाएंगे, मतलब पैसा नहीं है ना। और अगर सरकार ऐलान कर दे कि जितने बच्चे हाफिज बनेंगे सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, हिफ्स कराएंगे कि नहीं कराएंगे? भाई यही तो हमारा और आपका जज्बा है, अल्लाह जन्नत देने को तैयार है तो हम लेने के लिए तैयार नहीं। उम्मे याकूब ने कहा मैंने सूरह फातिहा से सूरह नास तक पढ़ा है, कहां है जो आप बोल रहे हैं? अब्दुल्लाह बिन मसूद तो फकीह आदमी थे, मुफ्ती साहब सुनिए, आपने पढ़ा, आपने वो आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू वत्तकुल्लाह, सूरह हश्र सूरह नंबर 68 की रसूल जो दे उसको ले लो जिसे मना करे उसे रुक जाओ। अगला मैंने पढ़ी, बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिटकार किया है ना जो टैटू बनाते हैं आजकल अपने नौजवान को, आप देखिएगा टैटू बना रहे हैं वो काला काला पूरा बोधे रहते हैं, लेडीज भी बना रही है जेंट्स भी सब बना रहे हैं टैटू, फिटकार है लानत है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक औरत में भी कितना जज्बा था कुरान सीखने का, कितनी आगे आगे थी कुरान सीखने में, कुरान को पढ़ने में, कुरान के दर्श देने में। तो मेरे भाइयों ये मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और यूं ही अगर चलता रहा तो मसाइल हमको आप जानते हैं। बस एक आध बात और आपके सामने रखूंगा, कुरान करीम से ही हम लोगों को इज्जत मिली हुई है, अगर कुरान पर अमल खत्म तो सब खत्म। इन्नल्लाह यरफ़ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़ु बिही आख़रीन, सही मुस्लिम किताब सलात के मुसाफिर हदीस नंबर 817। आमिर बिन वासिला बयान करते हैं कि मुलाकात हो गई उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मक्का के गवर्नर से आसमान के मकाम पर, जब मुलाकात हो गई जो नाफ़ी बिन हारिस थे आसमान के मकाम पर मुलाकात हो गई, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि मक्का का गवर्नर किसको बना के आए हो, यहाँ मुझसे नहीं है तो आए हो लेकिन कौन है? कहा इब्ने हमजा। इब्ने हमजा कौन है? कहा इब्ने हमजा कुरान का हाफिज है और फराइज का जानने वाला, फराइज मतलब मर जाते हैं ना तो मान तकसीम करते, बोले वो जानने वाला है। बोले अच्छा हाफिज है कुरान को गवर्नर बना दिए, सुन लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए लोगों को उठा देता है कौमों को और इस किताब पर अमल न करने की वजह से गिरा देता है। अल्लाह तआला ने क्या कहा था, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। मेरे भाइयों कुरान से जुड़ना पड़ेगा, अरबी सीखनी पड़ेगी तब फायदा होगा, वरना इस तरह ही चलता रहे तो बड़े मसाइल होने वाले हैं। याद रखिएगा, अब मैं पूछना चाहता हूँ किसी मस्जिद के मुतवल्ली साहब हाफिज साहब हैं क्या, मदरसे के जिम्मेदार हाफिज साहब हैं क्या, मौली साहब हैं क्या, आज मदरसे के मुतवल्ली कौन बनते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली कौन बनते हैं, जिनके पास पैसा हो, पैसा है सब कुछ है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, ना बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन पहले जो गवर्नरी मिलती थी गवर्नर बना दिया गया, पूरी जिम्मेदारी मक्का की दे दी गई क्योंकि हाफिज कुरान। अगर अल्लाह वाले लोगों को हाफिज कुरान को आगे पढ़ाया जाए तो देखिए कितनी शांति है। मेरे भाई हमें और आपको कुरान के मिशन से जुड़ना होगा और यही कुरान है, अगर हम और आप मुसहफ तकसीम करते हैं कुरान देते हैं लोगों को, मरने के बाद हमको सवाब मिलेगा। सूरह इब्न माजा हदीस नंबर 242, आदमी मर जाता है चंद चीजों का सवाब मिलता रहता है, इल्म है फैलाया बताया सीखा, मस्जिद बना दी मदरसे बना दिए, वमुसहफन वरसहु और उसने कुरान करीम का वारिस बनाया, यानी कुरान लिया और तकसीम किया। अब कुछ लोग बोलते मैं तो नहीं जानता, भाई आप नहीं जानते हैं तो आप पैसा लगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ो कुरान के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। तो जिसने भी ये किया मरने के बाद उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान से जुड़ना जरूरी है, चाहे हम और आप किस तरीके से भी जुड़े,
अगर जुड़ते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। तो इन सब बातें मैंने आपके सामने रखी इस उम्मीद के साथ कि हमें और आपको कुरान के मिशन में जुड़ना है, लगे रहना है, कोशिश करनी है, नहीं आता है सीखना है। और आप कोशिश कीजिए एक दो महीने में आराम से कुरान सीख जाएंगे, एक दो महीने में आराम से आप अरबी सीख जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर मुतासिर रखे, उम्र चाहे आपकी जितनी हो बस शौक होना चाहिए। हम और आप हर चीज का शौक पैदा करते हैं, वैसे ही शौक मोबाइल जब नया नया लेते हैं तो चलाना दर्द नहीं आता, एक दो दिन में सीख जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे करते 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 इंशाल्लाह आ जाएगा। अब मैं अखीर में आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ, इस दुआ पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाहुम्मा जन्नल कुरान रबीअ कल्बी वनूर सदरी वजला हुस्नी वज़हाब हम्मी वहम्मी। ऐ अल्लाह कुरान को मेरे सीने की नूर बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे दिल की बहार बना दे और हमारे गमों को परेशानियों को खत्म करने का जरिया बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक आप फजीलत शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह से कुरान की अजमत के ताल्लुक से बहुत सारी अहम और मुफीद बातें सुनी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस बातों पर अमल करेंगे और आज से ही कुरान सीखने और सिखाने में लग जाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान की जो है के ताल्लुक से बनाने के ताल्लुक से आज से ही आप इस बात को जहन में रख लेंगे कि बच्चा इंशाल्लाह हम बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। इसलिए कि जो मकाम हाफिज कुरान का है उस मकाम को आपने शेख के ज़ुबानी सुना। मैं शेख मौसूर के लिए दुआ करूँ कि रब्बुल आलमीन शेख के उम्र में बरकत अता फरमाए और हम सभी को शेख की कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी शायर ने कुरान के ताल्लुक से बड़ी बेहतरीन बात कही है। शायर कहता है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में, यानी कुरान के ताल्लुक से शायर कह रहा है कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। है कौन खुदा इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख अगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे भाइयों, हम सब तमाम लोग ये अहद करें आज से कि कुरान से मोहब्बत करेंगे और कुरान को सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि हमें दो दिन की ज़िंदगी है यहाँ पर और इस ज़िंदगी को छोड़ करके जो अबदी और दायमी ज़िंदगी है वहाँ जाना है और जन्नत के मकाम को हासिल करना है। वो मकाम कब मिलेगा, वो मकाम उसी वक्त मिलेगा जब हम अल्लाह के फरमान से मोहब्बत करेंगे, नबी के फरमान से मोहब्बत करेंगे। और इस स्टेज से मैं आपको इस बात के का वादा करता हूँ और इस बात की उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर कोई भाई हम रोज़ाना मगरिब के बाद बड़े लोगों को कुरान सिखाते हैं, अगर कोई भाई ये चाहता है कि हम सीखें तो मगरिब के बाद आप जो है आ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज हम आपको सिखाएंगे और आपको जो है कुरान जो है कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे, इससे आप फ़ायदा उठाएं ताकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो सके, आपके घर की इस्लाह हो सके, आपके घर के अंदर अमन सुकून नाजम हो सके। ये हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बाकायदा हमारी जमीयत अहदीस नांदूरा की इस जो है यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस पर देखिए बहुत सारे उलमाए किराम के बयानात हैं और इंशाल्लाह आज जो हमारे दुरूद शुरूक के बयानात हुए हैं उसको भी अपलोड करेंगे। लिहाजा इससे भी फ़ायदा उठाइए और जो शेख ने कहा है कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, कुरान से जोड़ें, इससे भी आप जो है फ़ायदा उठाएं और ये सोच अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान से करीब कर दे और अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ता अपना मजबूत करने की हमें तौफीक अता फरमा। और जो हमारे भाई अपना वक्त कीमती वक्त यहाँ पर दिए हैं तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए जमा हुए हैं, अल्लाह हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और ये देखिए हमें जन्नत में दाखिले का जरिया बना दे, जहन्नम से आज़ादी का परवाना बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे माँ और बहनों के कुलूब को भी, उनके अजहान को भी सा
साफ कर दे और बेहतरीन जो है उनका दिल और बेहतरीन उनका जो है ज़हन और दिमाग बना दे और उन्हें भी इस बात की तौफीक दे कि वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, दीनदारी के बारे में, नेकी के बारे में वो भी सोचे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब प्रोग्राम के जो है इख्तिताम का ऐलान किया जाता है और जो हमारे भाई मेहमान जो बाहर से आए हैं वो سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك।